वेलकम टू राजी किचन फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, राइस पुलाव। फटाफट चलिए बनाते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए 8-10 कलियाँ गार्लिक की, एक टमाटर, आप दो भी ले सकते हैं, दो टमाटर, एक ओनियन, बड़ा साइज ओनियन है, पनीर, पत्ता गोभी, हरा धनिया गार्निश के लिए, एक कप चावल मैंने भिगो के धो के रख दिए हैं, और मटर। और इसमें गाइस जो भी आप सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। राइस को मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था, अभी मैंने धो के इनको रख दिया है रेडी करके, और अब हम सब्ज़ियाँ काटते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, मैंने सारे सब्जियों को धो के काट लिया है, जो भी मेरे पास अवेलेबल थी, आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ करें। टमाटर, पनीर को धो लिया है, काट लिया है, सारी सब्जियों को कट करके रेडी कर लिया है पुलाव बनाने के लिए। गार्लिक, लहसुन, अदरक और राइस हमने धो के पहले ही रख लिए हैं। मसाला हमारा तैयार है, चलिए अब गैस ऑन करते हैं। हमने कुकर में तेल डाल लिया है गैस, अब हम इसमें तड़का देंगे पुलाव के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड सीड, जीरा, प्याज, लहसुन, सबको भूलेंगे हम। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पनीर को भी साथ में भून लेंगे। फ्रेंड्स, पनीर हमारा भून गया, अब इसमें राइस डालेंगे। राइस को भी दो मिनट भूनेंगे तेल में। अब गाइस, ये सारी सब्जी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी सब्जी हमने ऐड कर दी कुकर में राइस और पनीर के साथ। सब्जियाँ डालने के बाद हमने गैस को सिम कर दिया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी, एक ग्रीन चिली मैंने डाली है, आप दो भी ले सकते हैं, और रेड चिली अपने चॉइस से, जितना आपको तीखा पुलाव पसंद है उस हिसाब से आप मिक्स करें। अब सारे मसाले मिक्स कर देते हैं सब्जी में। और ये सब मिक्स करके अब इसमें पानी लगाएंगे, पानी डालेंगे लास्ट में। फ्रेंड्स, मैंने राइस में पानी ऐड कर दिया है, मैंने एक कटोरी राइस लिया था और अभी मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है। जब भी राइस बनाते हैं तो राइस का डबल पानी मिक्स करते हैं, यानी अगर एक कटोरी राइस है तो आपको 2 कटोरी पानी डालना चाहिए, बट बिरयानी में या पुलाव में आपको पानी कम डालना चाहिए, नहीं तो राइस ज़्यादा पक जाते हैं और पानी छोड़ते हैं, तो फिर ज़्यादा चिपचिपा सा पुलाव या बिरयानी बनता है। सो मैंने 1 कटोरी राइस और 1.5 कटोरी पानी ऐड किया है। अब इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे कुकर में बंद करके। 2 सीटी लगा के हमने खोला है गाइस, ये देखिए कितना बढ़िया पुलाव बना है हमारा। और फटाफट जो भी आपके पास घर में सब्जियां अवेलेबल हो उसी से आप कितना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, जो भी आप जब भी खाना चाहें बना सकते हैं। अब इसमें हम गार्निश के लिए धनिया डालेंगे, हरा धनिया कटा हुआ, और गरम मसाला ऐड करेंगे ऊपर से। ये पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डालिए इसमें। धनिया से हमने गार्निश कर दिया पुलाव को, अब हम सर्व करते हैं गाइस इसे। लीजिए गाइस, मैंने इसे सर्व कर दिया है, ये देखिए कितना मस्त एकदम हेल्दी पुलाव बना हमारा। आप भी बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है गाइस तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और देखिए कितनी हेल्दी सब्जी मैंने इसमें मिक्स की है, और मूली के साथ मैंने इसे गार्निश किया है, हरे धनिये से किया है, कितना हेल्दी पुलाव बना है गाइस। आप भी बनाएं, खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। थैंक यू सो मच।